आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों की मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो आज से दो दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश, दिल्ली यूपी में गर्मी से हाल होगा बेहाल। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, दरअसल मौसम इन दिनों खूब यहां पर करवट बदल रहा है, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश तो कहीं फरवरी महीने में ही यहां पर दूसरा दिन भर गर्मी पड़ रही है। दिल्ली यूपी उत्तराखंड और राजस्थान गुजरात और अन्य राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वही मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार जो है गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वही रात की बात यह है कि कुछ हिस्सों में मार्च के पहले हफ्ते में बारिश की भी यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। दरअसल स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक एक मध्यम तीव्रता वाला पश्चिम विक्षोभ जो है कल यानी 28 तारीख को पश्चिमी हिमालय की तरफ आगे बढ़ रहा है और पंजाब हरियाणा और उसके आसपास के हिस्सों में चक्रवात के रूप में सक्रिय हो सकता है, यानी चक्रवात को सक्रिय कर सकता है, जिसके चलते कल से 2 तारीख तक यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ इलाकों में छटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान औसत से 3 से 5 डिग्री अधिक रहने के आसार है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, इसके बाद 2 से 3 डिग्री यहाँ पर तापमान बढ़ोतरी आएगी। वही गुजरात में अगले 2 दिनों तक कोई भी यहाँ पर मौसम में बदलाव नहीं आएगा, फिर भी यहाँ पर तापमान 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। वही महाराष्ट्र की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र में 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वही राज्य के अगले यहाँ पर राज्य के दूसरे स्थानों पर यहाँ पर कुछ इलाकों में तापमान में जो उतराव चढ़ाव का दौर जो है वो जारी रहेगा। वही मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा हल्की बर्फबारी होने की भी संभावना जताई है इन इलाकों में, यानी लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में ये बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं कश्मीर घाटी में 1 मार्च को यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में भी 1 तारीख को बारिश होने की बात कही गई है। बात अब करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, तो बता दें आपको कि राजस्थान के अंदर अभी लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम के कई हिस्सों में पारा बढ़ने की बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है, वहीं कई इलाकों में रिकॉर्डेड यहाँ पर जो पारा है वो बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, कई जिलों में असर इसका देखने को मिल सकता है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसका असर दिखने लगा है। वही पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। इसके चलते जयपुर के साथ साथ प्रदेश के कई इलाकों में 3 से 4 डिग्री तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है, वही मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में राजस्थान के अंदर अभी मौसम में जो ये बदलाव है इसी तरीके से जारी रहने वाला है, मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है। बात करते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम की, तो एमपी का मौसम कैसा रहेगा, तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में कई इलाकों में तापमान में जबरदस्त गिरावट बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल एमपी के कई इलाकों में आने वाले 24 घंटों में तापमान में वृद्धि की बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में गर्मी जो है फरवरी महीने में ही यहाँ पर पसीना चुरा रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की चेतावनी दी है। वहीं कल जो है खंडवा जिला सबसे गर्म रहा, यहाँ अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास दर्ज यहाँ पर किया गया है, यानी खंडवा में 36.1 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। वही सागर में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही नर्मदापुर में गर्मी के मामले में नर्मदापुर पीछे नहीं रहा, तापमान 18 डिग्री के आसपास न्यूनतम यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। वही मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों से अधिकतम तापमान स्तर बना हुआ है। कल रविवार को यहाँ पर सबसे कम तापमान जो है सबसे ज्यादा तापमान खंडवा में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। खैरगोर में तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। वही कई इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जो है एमपी में फिलहाल जारी है, मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है।